पेटीएम ने छोड़ा बीसीसीआई का साथ, ये कंपनी करेगी भारत के मैच स्पॉन्सर, बीच में ही समाप्त किया करार। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए मशहूर कंपनी पेटीएम ने बीसीसीआई के साथ अपना करार समाप्त कर दिया है। आपको बता दें कि पेटीएम का बीसीसीआई के साथ भारत के मैच स्पॉन्सर करने का करार था। भारत में जितने भी घरेलू और इंटरनेशनल मैचेस खेले जाते थे उन सब के लिए स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारी पेटीएम की थी, लेकिन अब पेटीएम ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही समाप्त करने का फैसला किया है और बीसीसीआई से अनुरोध किया है कि वो उनकी स्पॉन्सरशिप को मास्टर कार्ड को सौंप दी। जी हाँ, मास्टर कार्ड अब वो नई कंपनी होने वाली है जो भारत के सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों को स्पॉन्सर करेगा। पेटीएम ने साल 2015 में भारत में खेले जाने वाले सभी, चाहे वो घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय मैचेस, सभी मैचेस को स्पॉन्सर करने का बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। 2019 में पेटीएम ने इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से आगे बढ़ाने का फैसला किया, जो 4 साल लंबा होने वाला था। ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2023 में समाप्त होने वाला था, लेकिन 2022 में ही पेटीएम ने इस करार को समाप्त करने का फैसला किया है। अब भारत में जो भी मुकाबले होंगे, फिर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर घरेलू, उन सबको स्पॉन्सर करने की जिम्मेदारी मास्टर कार्ड की होगी। आपको बता दें कि साल 2019 में पेटीएम और बीसीसीआई के बीच ये करार हुआ था कि पेटीएम को एक मैच के लिए 3.8 करोड़ रुपए देने थे। इससे पहले प्रति मैच की राशि 2.4 करोड़ रुपए थी, जो आने वाले और 4 साल में अधिक हो सकती थी, लेकिन अब पेटीएम ने 2022 में इस डील को बीच में ही तोड़ दिया है। आपको बता दें कि मास्टर कार्ड की टाइटल स्पॉन्सरशिप में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सितंबर में होने वाली T20 सीरीज में अपनी पार्टनरशिप की शुरुआत करेगी। वहीं इस सीरीज के बाद भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज में मास्टर कार्ड टाइटल स्पॉन्सरशिप के साथ उतरेगी। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20I सीरीज का आगाज 20 सितंबर से होगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली सीरीज 28 सितंबर से होगी। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए ये आखिरी घरेलू सीरीज होगी। आपको बता दें कि भारत ने पेटीएम की टाइटल स्पॉन्सरशिप के साथ साल 2019 से एक भी सीरीज नहीं गवाई है। भारत आखिरी बार, चाहे फिर वो ODI हो या T20I, 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही भारत में खेलते हुए हारा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए वन इंडिया के साथ।